तो गाइस अभी हम निकल गए धनौल्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अभी चेक इन में टाइम था, तो हमने सोचा कि अभी एक बार जो है आज धनौल्टी का और काम कराते हैं, क्योंकि आज ही फॉलिंग है और वो बता रहे हैं कि हैवी स्नो फॉलिंग है, फंस जाओगे। तो मैं फंसना चाहता हूँ, मैं बर्फ में फंसना चाहता हूँ। तो दोस्तों स्टेटस ये है कि अभी हम अपने होटल से बाहर निकल चुके हैं और धनौल्टी के लिए, क्योंकि अभी जो बर्फबारी देखी थी उससे हैवी बर्फबारी अभी देखनी है और बहुत जबरदस्त रहा। अभी देखते हैं आगे धनौल्टी का, आपको स्थिति बताते हैं। मौसम इतना खतरनाक हो रहा है, देखिएगा बिल्कुल एकदम विजिबिलिटी बिल्कुल एकदम खत्म है दोस्तों। ये बहुत जबरदस्त स्नोफॉल हो रहा है। तो दोस्तों देखिएगा कितना जबरदस्त, कितना तेज स्नोफॉलिंग अभी स्टार्ट हुई है। धनौल्टी के रास्ते पे ही अभी जा रहे हैं और बहुत जबरदस्त है। ये देखिएगा इधर गाड़ी के अंदर भी हो अंदर भी स्नोफॉल हो रही है। वाह, आरु अन्नी कैसा लग रहा है, जल्दी से रिएक्शन। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन फ्रेंड जल्दी गेट बंद कर लो। अरे स्नोफॉल हो रहा है। हम अभी जा रहे थे धनौल्टी, लेकिन बीच में ही इतनी हैवी स्नोफॉल हो गई है कि बीच में से ही हमें जो है रुकना पड़ा है और बहुत जबरदस्त स्नोफॉल है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और हाथ पता नहीं है हाथ कहाँ पे हैं, सिर्फ मूव हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं पता है ना। और बहुत जबरदस्त स्नोफॉलिंग विद आवर किड्स। जिनका हम लोग वेट करते हैं कि कब स्नोफॉल होगा और कब हम विजिट करेंगे, तो आज हम लोग इतना परफेक्ट टाइमिंग पे विजिट कर रहे हैं कि जैसे ही हमने एंट्री किया है मसूरी में, वैसे ही स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। तो आपकी ख्वाहिश पूरी हुई स्नोफॉल देखने की। ये देखिए आप कितना सुंदर पेड़ बट ये जितना अच्छा लग रहा है अब उतना डेंजरस भी लग रहा है, तो इसलिए हम डेंजर को समझते हुए वापस अपने होटल की तरफ जाते हैं, क्योंकि अब इसके बच्चे लेने के लिए हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, बच्चे साथ में हैं। देखेगा कितना जबरदस्त, कितना हैवी स्नोफॉल हो रहा है, मतलब इतना जबरदस्त है कि कुछ दिख भी नहीं रहा। मतलब मौसम ऐसा है कि कुछ सिंगर बन चुके हैं।
दोस्तों बहुत जबरदस्त आपने वीडियो देखी है, बहुत अच्छा रहा। अभी रोड पे ही घूम रहे हैं, मतलब जितनी बर्फ देख रही थी ना वो देख के जो है अब जा रहे हैं सिवाय। वो देख लो देखो, एकदम यहाँ बैठा था यहाँ पे। कौन है क्या? ओह गॉड, कहाँ से आते हैं ये लोग? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? क्या बर्फबारी हो रखी है? ठंडी हो रही है बहुत ज्यादा। मेरे पास है सबसे ज्यादा। आरू तू अपने ग्लव्स क्यों कर रहा है बेटा खराब? मम्मा मजे आ रहे। तो हम हैं अभी फॉर्च्यून द सिवाय, वेलकम सिवाय, वेलकम सिवाय में, और बर्फबारी आप देख सकते हैं कितनी भयंकर बर्फबारी हुई है और बहुत जबरदस्त मौसम है, बहुत जबरदस्त। एकदम हाथ जो है ना वो मतलब फील भी नहीं हो रहे हैं कि कहाँ पे हाथ हैं। दादा दिखाइए एक बार डॉक्टर पूजा, आप इसका नज़ारा पूरा का पूरा एक बार 360 डिग्री कि क्या माहौल बारिश का जो है इधर हो रखा है, बर्फ का, बारिश का नहीं बर्फ का। देखिए गाड़ी की डॉक्टर पूजा फोटोग्राफी करते हुए, बट गिर मत जाना बस। अन्नी की वैसे ही डांस हो रहा है ठंड में। अन्नी ठंडी डांस तो दोस्तों देखिएगा बर्फबारी का आलम, और बहुत जबरदस्त मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही तगड़ी बर्फबारी जो है हो रही है। ये देखिएगा कितनी जबरदस्त। तो दोस्तों बहुत जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और हाथ पैर जो है बिल्कुल एकदम चिल्ड हो चुके हैं, और देखिएगा क्या नजारा है ना, मतलब बहुत अच्छे से, मतलब बहुत हैवी। अभी थोड़ी देर पहले भी हम थे तो हो रही थी बर्फबारी, लेकिन इतनी हैवी नहीं हो रही थी, और बहुत समझो कि सिर्फ एकदम जो है ना वो तूफान जैसा आता है। मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर से बर्फ, देखिएगा कितनी मोटी मोटी बर्फ है, और थोड़ी ही देर हुई है, थोड़ी देर में आप देखिएगा कितनी लेयर टाइप की पूरी जो है बन गई है। ये देखिएगा देखो पूजी कितनी मोटी कितनी है ना। बहुत जबरदस्त वाला और बहुत ही हैवी स्नोफॉल हो रहा है, भयंकर बर्फबारी हो रही है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो दोस्तों ये देखिएगा डॉक्टर पूजा किस तरह से जन्नत के मजे ले रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? तो भाइयों गाड़ी दोस्तों हमारी भाई साहब, अभी दिक्कत ये है, दिस इज फॉर्च्यूनर ऑफ तेरी। ओ भाई ओ माय गॉड, सुबह सुबह हटाऊंगा इधर तो अभी नहीं। ब्यूटी है यार, भाई क्या नेचर है।
टीचर है यार। ये कौन सी गाड़ी है बताओ भाई साहब, ये कौन सी गाड़ी है? कौन सी गाड़ी है? दोस्तों फॉर्च्यूनर का ये है हमारा नया मॉडल, देखिएगा जबरदस्त। इधर से दिखाओ, इधर से क्लोजअप करके दिखाओ जल्दी से, ये देखिएगा पूरी भाई साहब डेढ़ दो दो फुट इस पे जो बर्फ जम चुकी है इस पे जो है। अब कल इसको जो है खुरपा लेके जो है निकालना पड़ेगा बर्फ को। साहब लाइट लाइट की सेप दिखाओ, लाइट की सेप क्लोज आके ये देखो भाई। सुनो मुझे एक बात याद आ रही है, जब हम सुबह आ रहे थे तो मम्मी ने एक डायलॉग मारा था। मम्मी कह रही थी अच्छा कहाँ जा रहे हो? मसूरी। तो डॉक्टर साहब ने क्या बोला कि मम्मी वहाँ थोड़ा स्नोफॉल हो रहा है, बर्फ पड़ रही है। मम्मी ने क्या कहा था, थोड़ी सी बर्फ ले आना ले लो। कितनी चाहिए बताओ, कितनी चाहिए बताओ, सारी लेकर के आई। मेरे वर्ड्स याद है मैंने क्या कहा था, मेरे ऐसी बस मिलेगी तो थक जाओगे देखते देखते, मन भर जाएगा। और इसी बात पे ये आपके लिए ये लो बस 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 नहीं इधर आओ देखो दोस्तों, देखिएगा अभी रात हो चुकी है और इतनी बर्फ मुझे नहीं लगता इसमें तो कभी मसूरी में पड़ी होगी। रिकॉर्ड टूटा होगा मसूरी में, आज जो है बर्फबारी का ही रिकॉर्ड जरूर टूटा है। देखना 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 और अगेन दिखा देता हूँ फॉर्च्यूनर। ओ तेरी, देखिएगा नहीं बेटा भी रहने दे इस पर जमने दे रात भर। नानी को लेके जाएंगे, ये लेके जानी है, देखिएगा बर्फ ही जाएगी बर्फ को, चीजें तो साफ करने पड़ेंगे सुबह, वो सुबह की सुबह देखी जाएगी। क्या लग रही है यार इधर से देखना, टेंशन है ये नया मॉडल। थारा भाई जोगिंदर आज इतनी बर्फ खा जाएगा, आज इतनी बर्फ खा जाएगा किसी ने सोची ना होगी। पहले रुकी थी, सबसे बड़ी दिक्कत तो उसकी थी जो बर्फ पे चले जा नहीं रहा था। हाँ लिटरली पूरा बैलेंस बना के सॉरी तो एक बार बैठी अरे नीचे लेट गया, ऐसा लेट गया पूरा कम लग गया था, आज तो जिंदगी खत्म ही है गाइस। आज हमारी गाड़ी फंस गई है, अभी गाड़ी फंसी हुई है स्नो में और पीछे जा नहीं रही है, पीछे कर रहे हैं तो स्लिप हो रही है पूरी और आगे से जो है इतना ही रास्ता है कि एक गाड़ी जा सकती है। और आगे देखो कौन सी गाड़ी आ चुकी है, सामने वाले जो है ये भी हैवी ड्राइवर है,